दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस। फंगस के रिप्रोडक्शन या जनन की चर्चा करते हैं। वो यहाँ उन प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं या उन पॉइंट्स को शामिल कर रहे हैं जो पॉइंट्स आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और फंसाने वाले होते हैं, आपकी मेरिट में समस्या खड़ी करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो पूर्ण रूप से हमारे TGT PGT बायोलॉजी KVS NVS DSSB UP MP झारखंड और PCS बायोलॉजी दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए कारगर वीडियो है। आप देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है वो तीन प्रकार का देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, कायिक जनन, एसेक्सुअल, अलैंगिक और सेक्सुअल लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्राय किससे होता है? तो फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि हाइफा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए माइसिलियम को जन्म देता है। ये राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया आदि में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूजन। फ्यूजन इट इज द सिंपलेस्ट मेथड विच इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ द सेल इनटू टू डॉटर सेल ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कि ईस्ट में। तो फ्यूजन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो फ्यूजन हमें ईस्ट में देखने को मिलता है। तो अभी पूछ सकता है कि फ्यूजन कहाँ एलगी में देखने को मिलता है। मान लो ऑप्शन ईस्ट है तो ईस्ट लगा कर आएंगे। बडिंग भी हमें ईस्ट में देखने को मिलती है और इस बडिंग के कारण हमें स्यूडोमाइसिलियम ऐसा लगता है जैसे माइसिलियम तैयार हो गया हो, जिसे स्यूडोमाइसिलियम के नाम से जानते हैं। इट इज कॉमन इन ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया, या ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में कॉमन रूप से देखने को मिलता है। ओडियम कहाँ देखने को मिलता है? ओडियम फॉर्मेशन। तो ओडियम फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है, यहाँ ओडियम के बारे में भी देख लेते हैं। सम टाइम द हाइफी ब्रेक अप इनटू द न्यूमेरस फ्रेगमेंट नोन एज ओविडिया एंड गिव राइज टू न्यू हाइफी। क्या होता है, इसमें जो हाइफी होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम ओविडिया के नाम से जानते हैं। प्रत्येक ओविडिया वृद्धि करके एक नए माइसिलियम को जन्म देता है। खासकर इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो राइजोपस है। इसके अलावा कोलिबिया और कोप्रिनस जो देखने को मिलता है। राइजोपस पे ओविडिया कब देखने को मिलते हैं? जब इसे शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, शुगरी सॉल्यूशन में रखते हैं। ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है अगर हम राइजोपस को शुगर सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या देखने को मिलेंगे? तो ओविडिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लमाइडोस्पोर। क्लमाइडोस्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो क्लमाइडोस्पोर अक्सर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं। और ये हमें आप क्लमाइडोस्पोर जो जाकर देखना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ दिख जाएगा, किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। स्क्लेरोटिया, तो आप सब जानते हैं ये एक सॉलिड संरचना होती है। इसमें माइसिलियम कॉम्पैक्टली अरेंज होकर सॉलिड संरचना बनाता है। खासकर ये क्लैप्सिस परप्यूरिया में देखने को मिलता है, इरगोट डिजीज उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन जूस्पोर द्वारा होता है और ये कहाँ देखने को? फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन। यूनिफ्लैजलेट जूस्पोर कहाँ पाए जाते हैं? एक फ्लैजला वाले तो सिनकाइटियम में पाए जाते हैं। बाईफ्लैजलेट में सैप्रोलैग्निया, पाइथियम। बाईफ्लैजलेट जूस्पोर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दो फ्लैजला होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सेकेंडरी जूस्पोर बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे दो प्रकार के जूस्पोर हैं। पहले पीयर सेप्ड, दूसरे किडनी सेप्ड। ये पीयर सेप्ड है जिसके एंटीरियर में दो फ्लैजला निकले हैं और ये किडनी सेप्ड है। इसको प्राइमरी जूस्पोर बोलते हैं, पीयर सेप्ड को इसको सेकेंडरी जूस्पोर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एप्लाइनोस्पोर फॉर्मेशन। एप्लाइनोस्पोर आर द थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल। ध्यान रखना, एप्लाइनोस्पोर वो स्पोर होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। ये राइजोपस और म्यूकर में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है एप्लाइनोस्पोर फाउंड इन, तो राइजोपस एंड म्यूकर ये नॉन मोटाइल्स होते हैं। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज में खूब देखने को मिलता है, खासकर एस्परजिलस, पेंसिलियम। इसके अलावा पाइथियम, फाइटोप्थोरा और आपको कोनिडिया और देखना है तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हम आपको बता दें और कई प्रकार के स्पोर होते हैं। पिकनियो स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, यूरेडो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर, ये सब हमें पक्सिनिया में देखने को मिलते हैं। पक्सिनिया देखिएगा, पांच प्रकार के स्पोर होते हैं। पांच प्रकार के स्पोर कौन से होते हैं? यूरेडो स्पोर होते हैं, टेल्यूटो स्पोर होते हैं, बेसिडियो स्पोर होते हैं और उसके बाद पिकनीडियो स्पोर होते हैं और एसीडियो स्पोर होते हैं। इसमें से जो एसीडियो स्पोर थे या इसको स्पोर थे, ये हम आप जब जाएंगे एसीडियो स्पोर, तो ये
पिछली बार क्वेश्चन इसमें सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में जो जीडीसी का अभी एग्जाम हुआ था अलाहाबाद सेंटर पड़ा था वहाँ आया था कि एस्कोस्पोर बारबेरिस के प्लांट के ऊपर पड़ते हैं नीचे पड़ते हैं, ये क्वेश्चन आया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, तो आप सब समझ गए होंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाई नहीं पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो में पाया जाता है। इनमें तीन चरण होते हैं प्रायः, प्लाज्मोगैमी जब प्रोटोप्लाज्मा आपस में मिलता है पहले, फिर न्यूक्लियस मिलते हैं, फिर उसमें मियोसिस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं किस प्रकार से गैमेट्स मिलते हैं, तो प्लेनोगैमेटिक कपलेशन किस में देखने को मिलता है, तो प्लेनोगैमेटिक इन दिस फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेंथ टेक प्लेस इट नोन एज ओनली फ्यू आर्कियोमाइसिटीज। दिस प्रोसेस ऑफ थ्री टाइप, तो आप सब जानते हैं कौन से तीन प्रकार का प्रोसेस में आता है, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, उगेमी। आइसोगेमी देख लेते हैं शायद दिया हुआ। आइसोगेमी में क्या होते हैं, दोनों गैमेट्स एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं कार्य की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से, जैसे कि सिनकाइट्रियम में। एन आइसोगेमी में क्या होता है, एक जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एक छोटा होता है, जैसे कि एलोमाइसिस में। उगेमी में क्या होता है, एक मोटाइल्स होता है एक नॉन मोटाइल्स होता है। फिर आता है नेक्स्ट गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तो गैमटेंजियल कॉन्टैक्ट ये पूछा गया क्वेश्चन है, गैमटेंजियल कॉन्टैक्ट फाउंड इन, तो वो गैमटेंजियल कॉन्टैक्ट एल्बिगो एस्परजिलस पाइथियम और फाइटोथोरा में देखने को मिलता है। इनकी कंडीशन कैसी होती है ये भी देख लीजिए, इसमें क्या होता है ये उगोनियम होती है, इस तरीके से आप किताब में देख लेंगे बीएससी की, उगोनियम होती है और इसके बगल से इस तरह की संरचना एक स्पून लाई संरचना निकलती है, इसे एंथ्रीडियम बोलते हैं और इसको ओगोनियम बोलते हैं, और इससे ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलती है और इसका न्यूक्लियस इसी ट्यूब से इसके अंदर आ जाता है, बाद में ओस्पोर बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गैमटेंजियल कपलेशन। गैमटेंजियल इन दिस प्रोसेस फ्यूजन इंटायर कंटेंट्स अप टू गैमटेंजिया अकर बाय द डिसोल्यूशन ऑफ दियर कॉमन वॉल्स, द गैमटेंजिया अल्टीमेटली फ्यूज रिजल्टिंग इन कैरियोगैमी म्यूकर राइजोपस में हमें गैमटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से एक का माइसीलियम फूल जाता है प्लस वाले का और इस तरह माइनस स्टेन का फूल जाता है और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये यहाँ स्पोर बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में स्पर्मेटिया बनते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स होते हैं और ये अक्सर पक्सिनियम देखने को मिलते हैं। सोमेटोगेमी आप देख लीजिएगा, पेजाइजा है, मॉर्चेला है, एगेरिकस में सोमेटोगेमी देखने को मिलती है। सोमेटोगेमी में डायरेक्ट ही जो माइसिलियम होते हैं, मान लेते हैं कि ये माइसिलियम है, एक ये है, ये माइसिलियम है, ये माइसिलियम है और इनसे एक स्वेलिंग निकलती है और ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं, दोनों के न्यूक्लियसों में एक्सचेंज हो जाता है इस तरीके से। चलिए अब आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट फंजाई एज फूड, तो यहाँ खूब क्वेश्चन बनता है, खासकर ये वाला खूब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन सा पूछा जाता है कि कौन सा है, एगेरिकस बाइस्पोरस और एगेरिकस कम्पेस्टिस, इनको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, ये एग्जाम में अक्सर रखे रहते हैं। मार्चेला यूज्ड हरियाणा और आपका जम्मू कश्मीर, लाइकोपर्डन क्लेवेटिया प्लूरोटस और वाल्वेरिया और वाल्वेरिएला, ये ऐसे फंगस हैं जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो एगेरिकस से आता है। ईस्ट जो है, ईस्ट प्राय इम्पॉर्टेंट है सोर्स विटामिन बी के लिए, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं विटामिन बी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ईस्ट है, ध्यान रखिएगा। ए फूड कॉल्ड सूफू, एक भोजन बनाया जाता है सूफू, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम म्यूकर एंड एंटी म्यूकर, ध्यान रखिएगा सूफू के बारे में ध्यान रखिएगा। फंजाई मेडिसिन, तो आप सब जानते हैं फंगस से ढेर सारी एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती हैं, ये क्वेश्चन आप नोट करके रखिएगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलियम थी और इसे वंडर ड्रग भी बोलते हैं, वाज ऑब्टेन फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम, ये क्वेश्चन 10वीं बार पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया। पेंसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 को। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था, तो वॉक्समैन ने दिया था, वॉक्समैन ने किसकी खोज की थी, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट मेडिसिनल एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो प्राप्त की थी, पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलियम क्राइसोजिनम,
और इर्गोटीन क्लेब्सिस परप्यूरिया से प्राप्त की जाती है। और ध्यान रखना, गिव द चाइल्ड बर्थ बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है। ये क्या करता है, पेल्विक गर्डल को फैला देता है जिससे बच्चे आराम से बाहर आ सके। और बकाया आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारे दिए हुए हैं। खासकर सबसे ज़्यादा पेंसिलिन पूछा जाता है, और पेंसिलिन के बाद एफेड्रीन पूछा जाता है। ये एफेड्रीन के बारे में आस्थमा और नसर ट्रबल्स के लिए दिया जाता है, फ्रॉम द बेंजल्डिहाइड बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन बनता है, चलिए आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत है, लंबा है। अच्छा, इसके बाद आता है आल्सो कैल्वेसिन, ध्यान रखते हैं, आल्सो कैल्वेसिन एंटी कैंसर सबिस्टेंसेस, ध्यान रखिएगा, कैल्वेसिन एंटी कैंसर सबिस्टेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लेवेटिया, सो ईटन टू प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन इन स्टोमक, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम इरेज भी कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ से ये क्लेवेसिन नाम की एक मेडिसिन बनाई जाती है, ये दिया हुआ है क्लेवेसिन, एस्परजिलस क्लेवेटस से प्राप्त की जाती है क्लेवेसिन। तो ये एंटी कैंसर सबिस्टेंस होता है, एंड एंटी कैंसर सबिस्टेंस इज ऑप्टेन फ्रॉम क्लेवेटिया, किससे प्राप्त किया जाता है, क्लेवेटिया से प्राप्त किया जाता है ये, सो ईटन टू प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन इन स्टोमक। रोल ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्रीज में जो देख लेते हैं, खूब पूछा जाता है, एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में ईस्ट का प्रयोग करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज में CO2 इवॉल्व एवर राइजेस डॉट, फिर आता है इंजाइम टाका सॉरी, तो टाका डाइस्टेज डाइजेशन एंड पॉलीजाइम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एस्परजिलस फ्लेवस ओराइजी सीरीज से प्राप्त किया था, इन्वर्टेज एमाइलेज जाइमेज, ये इंजाइम है जो एमाइलेज एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त किया जाता है, और जाइमेज जो है वो ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। चीज इंडस्ट्रीज में किसका प्रयोग करते हैं, चीज इंडस्ट्रीज पेंसिलियम और कैमेम ब्रेटी का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, चीज़ में ये खूब पूछा जाता है, और फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं चीज़ में। ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर एस्परजिलस वेंटी म्यूकरास से प्राप्त करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड जो है एस्परजिलस नाइजर पेंसिलियम से प्राप्त करते हैं, जो गैलिक एसिड है वो पेंसिलियम गॉलकम से प्राप्त करते हैं, और कोजिक एसिड जो है एस्परजिलस ओराइजिस प्राप्त, फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस स्टोलोंगिफर से प्राप्त करते हैं। तो ये जरा नोट कर लीजिएगा, फ्यूमेरिक एसिड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन ईस्ट केक इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन, फंजाई इन द फाइटोक्रोम क्रोमोन्स जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिक एसिड जो प्राप्त किया जाता है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी से, ये क्वेश्चन पूछा गया है PGT में। इन जेनेटिक एंड अदर बायोलॉजिकल स्टडी न्यूरोस्पोरा में कहा जाता है, इसे रेड मोल्ड बोलते हैं, इसे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं, ध्यान रखना, इसे रेड ब्रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा जिनेटिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज आल्सो ईस्ट एंड एस्कोबोलस, मतलब न्यूरोस्पोरा के अलावा भी ईस्ट और एस्कोबोलस पर अध्ययन किया गया है। एस ट्रेसेस ऑर्गेनिज्म ट्रेसेस एलिमेंट्स एस्परजिलस नाइजर से पता लगाया जाता है, ये सेंसिटिव होता है किसके लिए, कापर ZN MO NCD PB आदि के लिए, कैडमियम और लेड आदि के लिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फंजाई इन एग्रीकल्चर सॉयल फर्टिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल सॉयल इनहिबिटिंग फंगस ट्राइकोडर्मा, तो ध्यान रखें ये ट्राइकोडर्मा 500 बार पूछा गया, इसको ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा किल्स पाइथियम फंगस रूट रॉट फंगस को, तो ट्राइकोडर्मा किसको किल करता है, वो पाइथियम को किल करता है, तो ध्यान रखना ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। सेमी सेमलरली पेंसिलियम वर्मिकुलेटम चिक्स राइजोक्टोनिया सोलनाई और प्रेडेसियस फंगस ये दिए हैं, डेक्टेलेला और डक्टेलेरिया जूफेगस आर्थोबोट्रस, तो इनको ध्यान दे लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंस एज माइकोराइजा की बात करते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट द हायर प्लांट इज कॉल्ड द माइकोराइजा, राइजोक्टोनिया फोमा बोलिएटस ट्राइको लोमा और फेलस,
लाइव इन एसोसिएशन द रूट द हायर प्लान, तो ये आप यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। यहाँ से ये राइजोक्टोनिया, फोमा और बोलियेटस, ट्राइकोलोमा और फेलस, ये पूछ देता है कि इनमें कौन सा फंगस माइकोराइजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सॉइल एग्रीगेशन, तो इसमें से एस्परजिलस, क्लैडोस्पोरियम, म्यूकर, पेंसिलियम, राइजोपस हैव सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, मैनी इंसेक्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज द फंजाई, तो इसके अंतर्गत आता है एस्कोरसोनिया, आइसोरिया, फेरिनोसा, एम्पूसा एक्सेट्रा। हार्मफुल एक्टिविटीज में इनसे ढेर सारे रोग होते हैं, आप सब जानते हैं, और ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ये फेमस फेमिन ऑफ आयरलैंड एसोसिएटेड विद द दिस डिजीज विच कॉज डेथ ऑफ लॉक्स ऑफ द प्यूपिल, कौन था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये आयरलैंड में 1850 में फैला था। बकाया पढ़ लेंगे किससे कौन सा रोग होता है, ये सारे रोग दिए हुए हैं, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे देखेंगे, और वीडियो ये यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, लेकर इनको आप एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेवर फेमिन ऑफ बंगाल, जो फेमिन ऑफ बंगाल था विच कॉज द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाज ड्यू टू द डिजीज, ध्यान रखिएगा। फाइटोएलेक्सिन क्या होता है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। फाइटोएलेक्सिन क्या होता है? ऑफ सबिस्टेंसेस या कंपाउंड आर द एंटीबॉडी लाइक मटेरियल्स और केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट बॉडी आफ्टर इन्फेक्शन बाय द माइक्रोब्स लाइक फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और एज ए रिस्पॉन्स द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी। दीज सब्सटेंसेस आर द मोस्टली फिनोलिक कंपाउंड, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया था, किसी ने हमें कमेंट्स भी इस पे किया था, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जो सॉल्व पेपर कराया है ये, तो ये कैसा होता है? फिनोलिक कंपाउंड्स होता है। कैसा होता है? फिनोलिक कंपाउंड। द टर्म फाइटोएलेक्सिन वाज गिव बाय मुलर एंड बर्गर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि फाइटोएलेक्सिन शब्द किसने दिया था, मुलर और बर्गर ने दिया था। द फाइटोएलेक्सिन इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेंस इन जनरल एंड फंगल, पैथोजेंस इन द पर्टिकुलर, ध्यान रखिएगा, रिस्टिन, रिस्टिन प्रोड्यूस्ड इन द पोटैटो इन्फेक्टेड बाय द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन डिजीज ये है, रिंग वर्म पूछ सकता है, तो ट्राइकोफाइटॉन से फैलता है या माइक्रोस्पोरम से फैलता है, जिसे हम लोग दांत कहते हैं, ये खासकर पूछते हैं, बकाया आप इसको देख लीजिएगा, आप से जो पूछे स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज से हम जो आपके जनरल क्वेश्चंस जो आपके फंगस से पूछे जाते हैं, वो हमने आपके सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम एक एक स्पीसीज जीनस लेंगे, जैसे एल्बिगो से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह से कराएंगे। फिलहाल अभी दूसरे वीडियो आपको देना शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।